हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है हरियाणा पावर यूटिलाइज या फिर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, तो ये तीन चार कंपनी में जो है ये आपका कुछ यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है। और यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट है यहाँ पे, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका नोटिफिकेशन डेट आपका 27 को आया हुआ है और यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का वो आपका 26/7/2019 को है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चार कंपनी आपका यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। और ये जितनी भी कंपनी आपको गेट स्कोर के थ्रू लेंगी, तो आपका 2019 में जो भी हो गेट स्कोरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे चार कंपनियों के थ्रू जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो हरियाणा पावर यूटिलाइज या फिर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन या फिर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, तो चार कंपनियों में जो ये पूरा आपका पोस्ट निकला हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे डिटेल दिया गया है। देखिए, अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है आपका 75 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रिकल वाले ही यहाँ पे जो है गेट कोड ऑफ द गेट पेपर यहाँ पे आपका जो है गेट यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो है फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा है आपका, बी बीटेक होना चाहिए 60% मिनिमम और अदर कैटेगरी जो है 55% होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक विक कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया है फुल टाइम मास्टर डिग्री वाले भी जो हैं इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया मस्ट है पास हिंदी और संस्कृत जो है आपको मैट्रिक्स लेवल आपका जो है ये स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन में आपका होना चाहिए हिंदी और संस्कृत। तो ये जो है क्वालिफिकेशन का कुछ डिटेल्स है, बी बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल है। और नंबर ऑफ सीट 75 है, तो काफ़ी अच्छा सीट है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, आगे भी कुछ सीटें हैं मैकेनिकल के लिए, कुछ सीटें हैं यहाँ पे जो है 15 सीटें जो है मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दी गई हैं। और बाकी जो है आपका सिविल के लिए कुछ 17 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो इलेक्ट्रिकल के वालों के लिए यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा चांसेस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिकल की, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो टोटल 75 पोस्ट है वो आपका अलग अलग कंपनी में, ये आपका चारों कंपनी है। और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है अलग अलग कंपनी में कितनी कितनी सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इतनी है और इसमें आपका इतना है, तो टोटल जो है 75 यहाँ पे सीट दिया गया है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये चार कंपनी है बेसिकली, और यहाँ पे जो है चार आपका दिया गया है, टोटल 75 सीट है यहाँ पे। इसी तरीके आपका मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए दिया गया है, टोटल जो है दिया गया है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एज रिलेक्शन का भी कुछ यहाँ पे छूट दिया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी जैसे ट्रीट किया जाएगा, जितना भी मतलब कोई आपको छूट नहीं मिलेगा। जो भी कंडीशन अगर होता है जनरल वाले के लिए तो सेम आपका वही कंडीशन जो है एलिजिबल किया जाएगा। बाकी एज लिमिट भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं एज लिमिट का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जो है ऑफिशियल साइट पे आप जाके वहाँ से सारा डिटेल जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है ये सारा आप देख सकते हैं, गेट के थ्रू आपको लिया जा रहा है। तो फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है हरियाणा वालों के लिए 500 फीस है और फीमेल के लिए 125 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 125 है। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जो है कोई फीस नहीं होगी। बाकी अदर कैटेगरी जो हरियाणा से अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी जैसे आपका सारा डिटेल्स जो होगा आपका हो सकता है। अदर स्टेट वाले फॉर्म को 100% भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए आप किसी भी एक कंपनी के लिंक से आप नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पे जो है आपको सारा डिटेल करियर वाले सेक्शन में जाके आप पूरा वहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक जो है आपको यहाँ पे नीचे दे दूँगा। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको अपलोड करना है जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या यहाँ पे जो है आपका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो है आपका, फिर आपका गेट का यहाँ पे आपको देना है, फिर SC ST सर्टिफिकेट नंबर, तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो है हमको अपलोड करना है।
और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जो है आपका पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके जाना है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो 28 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, और 26/7 को आपको मिडनाइट तक जो है फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स। तो आपको ऑफिशियल लिंक भी वैसे नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके इजीली फॉर्म को जो है देख सकते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन था, काफ़ी अच्छी सीट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जो भी कैंडिडेट अगर गेट स्कोरिंग है तो ये फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। इसका सैलरी भी बहुत अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी 65 के नियर अबाउट होता है इसका, और ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही आराम की जॉब है ये। तो जो भी कैंडिडेट अगर गेट की स्कोरिंग है तो 100% इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो और भी ऐसे न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।